असलम एवरी वन वेलकम टू माई चैनल साइकोलॉजी फैक्ट्स बाई लारा सो स्टूडेंट्स आज हम लास्ट पेपर डिस्कस करेंगे टू थाउजेंड ट्वेल्व का ये पेपर है और ये एफ एफ पार्ट टू का सॉल्ड उर्दू मीडियम साइकॉलॉजी पेपर है सो so आज हम इसके एम सी क्यूस डिस्कस करेंगे चलते हैं एम सी क्यूस की तरफ नंबर एक भी है राया की तश्ल में कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा ताकतवर है इसका सही जवाब है जरा अबला नंबर दो पे है कायद के पैरोकार इसके असर और सूख को कैसे कबूल करते हैं इसका सही जवाब है दरशुदा तमाम क्योंकि कायद के पैरोकार समाइम्स जो है वो अपनी मर्जी से कभी शौक से कभी खौफ से जो है वो कायद की पैरवी करते हैं उसकी बात को मानते हैं नंबर तीन पे है रवैये के कितने अज्जा होते हैं रवैये के तीन अज्जा होते हैं नंबर चार पर है मौरफीन और हिरोइन का ताल्लुक नशा और अद्वियात के किस ग्रूप से है पे है, फर्द अपने हल करने में नाकाम हो जाता है तो उसे डैश की जरूरत होती है उसे मुशीर की जरूरत होती है यानी कि काउंसलर की जरूरत होती है नंबर सात पे है मशीर अपने इल तजर्बे और बसीरत के लिहाज से किस से अफजल होता है इसका सही जवाब है मोकल से यानी मशीर जो होता है काउंसलर जो होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है वो एजुकेटेड होता है और उसकी इनसाइट होती है उसको पता होता है कि मसाइल का हल किस तरह से निकालना है तो मोकल से जो है मशीर अपने तजर्बे और बसीरत के लिहाज से अफजल होता है नंबर आज पे है फ्रॉइड ने अपने नज़रिए में सबसे ज़्यादा अहमियत किस दी है फ्रॉइड के मुताबिक लाशोरी मौल़ात यानी अनकॉन्शियस मोटिव जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में सो so, जब भी फ्रॉइड की बात आएगी तो आपने साइको एनालिसिस का या तहलील नफ्सी का नज़रिया माइंड में रखना है और ज़्यादा फोकस किया है फ्रॉइड ने नंबर नौ पे है शख्सियत के किस निज़ाम का ताल्लुक अखलाकियात से होता है शख्सियत के निजाम जो होता है वो सुपर ईगो बेसिकली डील करता है अखलाकियात से जिसे हम मॉरल वैल्यूज कहते हैं ये अच्छे बुरे का फ़र्क सिखाता है गुना सो आपका कॉन्सेप्ट जो है वह सुपर ईगो ही डेवलप करता है नंबर दस पे है कि इस मायरे नफसियात ने फर्द को बुनियादी तौर पर सलाहियत बासलाहियत, बाहियत अहतमाद और ख़ुद मुख्तार करार दिया है इसका सही जवाब है रॉजर्स कार्ल रॉजर्स जो था वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का बानी कहलाता था और उसके मुताबिक ह्यूम्स जो होते हैं वो बुनियादी तौर पर काबिल अहतमाद होते हैं ख़ुद मुख्तार होते हैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और बालाहियत होते हैं नंबर ग्यारह पे है हकीकी खतरे की वजह से पैदा होने वाला डर क्या कहलाता है इसका सही जवाब है बे खौफ अगर एक इंसान को हकीकी खतरे की वजह से डर पैदा हो रहा है तो वो खौफ खिलाएगा लेकिन अगर ग़ैर हकीकी ख़तरा जो है वो इंसान महसूस करना शुरू हो जाता है तो वो एक डिसऑर्डर बन जाता है जिसे स्पेसिफ़िक फ़ोबिया या फिर बेजा खौफ कहा जाता है नंबर बारह पे है नशनुमा की नफसियात का दायरा अमल कब शुरू होता है इसका सही जवाब है योग बनने से नंबर तेरह पे है समाज आने के अमल का खात्मा कब होता है इसका सही जवाब है मरने के बाद क्योंकि ओवरऑल जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तब तक वो लोगों से समाज से मिलता जुलता है सोशलाइज़ करता है तो जब तक इंसान की डेथ होती है तब तक हम कह सकते हैं कि वो किसी न किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है नंबर चौदह पे है वक़ूफ़ी नशो का ताल्लुक किससे है वक़ूफ़ी नशोनुमा का ताल्लुक़ दर्दशुदा तमाम से है जिसमें सोच भी आती है यादाश्त भी आती है और अदराक भी आता है नंबर पंद्रह पे है नशोनमुमा का ताल्लुक किन तब्दीलियों से है नशो का ताल्लुक एक तरतीबदार सिस्टम जो बतदरीज बतदरीज तब्दीली का बास है यानी स्टेजेज़ हैं एक सीक्वेंस है सिस्टमेटिक चेंजिंग्स जो है होती रहती हैं तभी जाके नशोनम जो है वो प्रॉपर एक इंसान की होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि एक इंसान के अज़ाँ जो है वो अजा वक्त के साथ साथ बदलते बड़े होते जाते हैं फिर उसके साथ अज़ा किस तरह से हरकत में आते हैं वो किस तरह से मजबूत होते हैं एक बच्चा किस तरह से वो चलना शुरू करता है कुछ चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है तो ये एक सिस्टम है तरतीब है और तब एक तब्दीली के बाद दूसरी तब्दीली आती है तो हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक है और अरेंज है सो नशो नुमा जो है वो वार या फिर सिस्टम के अकॉर्डिंगली कंटिन्यू रहती है नंबर सोलह पे है नए स्कीमें को मौजूदा स्कीमें में डालने को क्या कहते हैं इसका सही जवाब है अमले इंजाब यानी एसिमिलेशन कहा जाता है जब आप नई इन्फॉर्मेशन को पुराने से मौजूद जहनी खाके में जब सेव करते हैं तो इस प्रोसेस को अमले इंजाम कहा जाएगा नंबर सत्रह पे है इंसान में रवैये की तश्ील तश्ील किसके ज़रिए होती है इंसान में रवैये की तश्ील आमोजिश यानी लर्निंग के ज़रिए होती है जो भी इंसान सीखता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से प्रेजेंट एक्सपीरियंस से बेसिकली वो इंसान का एक रवैया बना रहे होते हैं किसी भी शख्स की तरफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ या सोसाइटी की तरफ नंबर अठारह पे है किस इस फ़र्द के ख़िलाफ़ किसी फ़र्द के खिलाफ जब कोई जारहाना अमल सिर्फ इसी वजह से कि उसका ताल्लुक किसी ख़ास ग्रुप से है किया जाए तो वो इम्तियाज़ कहलाएगा ठीक है डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा इसमें हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं ब्लैक पीपल की अगर उनके साथ कोई भी जारहाना सलूक किया जाता है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो ब्लैक हैं वो उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं तो जो जारहाना अमल होगा उसको इम्तियाज़ कहेंगे उन्नीस पे है जहनी बीमारी जिसमें बार बार और मुसलसल ना रुकने वाले ख्याल आते रहते हैं डैश कहलाता है ये एक अर्जा है जिसे खप्त आमेज अजबारी रदल कहा जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है बेसिकली इसमें इंसान का बिहेवियर भी और इंसान की थिंकिंग भी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बार बार आ रही होती हैं और वो सोचें उनको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और मजबूर करती हैं अपना रदल अख्तियार करने पर नंबर बीस पे है ऐसा नफसियाती तरीक़ा इलाज जिसमें मशरूती आमोजिश के असूलों का इस्तेमाल किया जाता है डैश कहलाता है इसका सही जवाब है अलीफ अहदाम तहसीस अहदाम तहसीस को इंग्लिश में सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन भी कहा जाता है और इस प्रोसेस के अंदर जो स्पेसिफिक फोबियाज़ के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है सबसे पहले उनकी सोच के अंदर से खौफ़ कम किया जाता है फिर आहिस्ता आहिस्ता आखिरी स्टेज पर जाकर उनको वो जो जिस चीज़ से उनका डर होता है वो सामने रख दी जाती है और उनको साथ साथ रिलैक्सेशन टेक्निक्स या थेरेपी दी जाती है ताकि इंसान के अंदर से खौफ जो है वो कम हो सके और वो ये मान सके कि जिस चीज़ से वो डरता है वो उसका बेजा खौफ है असल में वो चीज़ इतनी ज़्यादा ख़तरनाक या खौफजदा करने वाली नहीं है थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू